नमस्कार। आज हम देखेंगे कि कैसे अपने घर की छोटी छोटी चीजों से हम गणित के अलग अलग तरह की शेप्स और मॉडल बना सकते हैं। मेरे पास ये एक रबड़ की ट्यूब है जो कि साइकिल के टायर में वॉल्व में लगती है। किसी भी साइकिल की दुकान से यह आसानी से मिल जाएगी। मेरे पास टूथपिक्स हैं। टूथपिक्स के अलावा आप माचिस की तीलियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इस ट्यूब को काट रहा हूं और इसकी एक तरफ यहां छिद्र हैं। इन छिद्र में मैं यह टूथपिक फंसा रहा हूं, क्योंकि यह रबड़ है, बहुत फ्लेक्सिबल है, जिधर को हम चाहें उसको मोड़ सकते हैं। अब इस रबड़ के दूसरे छोर पर मैं एक और टूथपिक को फंसा दूंगा और इसी प्रकार से एक और टूथपिक लेकर और एक छोटा सा रबड़ का टुकड़ा लेकर इसके एक छोर पर और यहां जो आखिरी वाला टूथपिक है उसके छोर पर फंसा दूंगा। इस प्रकार से हम इस रबड़ को मोड़कर एक त्रिभुज बना सकते हैं। आइए देखें कि इसी प्रकार रबड़ की मदद से हम और कितने प्रकार की आकृतियां बना सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ऐसे ही माचिस की तीलियों और रबड़ का प्रयोग करके हमने ये अलग अलग प्रकार की 2D शेप्स बनाई हैं। और यहां पर हमने और यहां पर हमने 3D शेप्स भी इसी प्रकार से अलग अलग तरीके से और रबड़ का प्रयोग करके हमने 3D शेप्स बनाई हैं। ये देखिए, इसी प्रकार रबड़ को और तीलियों को अलग अलग प्रकार से जोड़ने से कितना सुंदर एक बेहतरीन मॉडल बन रहा है। इसी प्रकार हम बच्चों को भी यह घर से बनाने के लिए दे सकते हैं। बच्चे बिना किसी की हेल्प के थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों की मदद से यह खुद भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार खेल खेल में घर पर मौजूद चीजों से ही हम गणित की विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना सकते हैं और उनके बारे में सीख सकते हैं।